हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंजीनियर्स आर्ट बॉक्स। और आज के हमारी वीडियो का टॉपिक है इपॉक्सी रेजिन ऑन ऑयल कैनवास पेंटिंग। आप देख सकते हैं, ये बहुत ही ब्यूटीफुल ऑयल कैनवास पेंटिंग है एक वुल्फ की, जो कि आर्टिस्ट राहुल शर्मा ने बनाई है। आप इसकी डिटेलिंग भी देख सकते हैं, एक एक स्ट्रोक कितने प्यार से और कितने डिटेल वर्क के साथ ये पेंटिंग कंप्लीट करी गई है। कितनी ब्यूटीफुल आइज़ हैं। तो चलिए अब हम इस ब्यूटीफुल ऑयल पेंटिंग को सील पैक करते हैं इपॉक्सी रेजिन से। और मेरे सारे न्यू सब्सक्राइबर से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक इंजीनियर्स आर्ट बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करिए और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन भी करिए। और इस हीट टॉर्च को हम यूज़ करेंगे हमारे इपॉक्सी रेजिन से बबल्स को रिमूव करने के लिए। जो बल्क में बबल्स का क्लस्टर बन जाता है उससे हम एक बार में रिमूव कर सकते हैं इस टॉर्च को यूज़ करके। और इसकी एक बहुत ही फोकस्ड फ्लेम होती है, जैसा आपने वेल्डिंग करने वालों के पास भी देखी होगी। तो मैंने सेम इपॉक कंपनी का इपॉक्सी रेजिन लिया है 3:1 की रेशो में और उसे मिक्स करा है अच्छे से, जब तक ये एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड में कन्वर्ट ना हो जाए। आप देख सकते हैं, अब ये ट्रांसपेरेंट हो गया है। अब मैं इसे धीरे धीरे पेंटिंग के ऊपर स्प्रेड करूंगी। और इपॉक्सी रेजिन अपनी पेंटिंग के ऊपर डालने से पहले आपको अपनी पेंटिंग को लेवल में ज़रूर रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपका रेजिन जो है वो एक ही डायरेक्शन से फ्लो हो जाएगा और आपकी पेंटिंग जो है वो फुली कवर नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले अपनी पेंटिंग का बेस जो है वो इक्वल कर लीजिए। और बहुत ही आराम से आप रेजिन को अपनी पेंटिंग के ऊपर स्प्रेड करिए और जो एक्सेस में बबल्स हो उसे आप रिमूव करिए। मैं यहाँ लाइटर का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कम बबल्स थे। तो दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो पेंटिंग है वो पूरी की पूरी सील हो गई है इपॉक्सी रेजिन से और बहुत ही ग्लॉसी लुक आ गया है और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है ये वुल्फ। और भी इसमें ब्राइटनेस आ गई है, क्लैरिटी आ गई है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। मैं आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। और भी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।